हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 12 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज है एक अपॉइंटमेंट। एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के? तो वो है इतिरा डेविस। रीअपॉइंटमेंट हुई है, मतलब पहले भी एमडी एंड सीईओ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के यही थे, अब फिर से इन्हीं को रीअपॉइंट किया गया है, राइट? तो इम्पॉर्टेंट है, इतिरा डेविस याद रखना है। अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो इन पे आपने अच्छा खासा फोकस रखना है, राइट? चलिए अब चलते हैं सेकेंड न्यूज़ आज की। एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। ड्रोन आप समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा एक डिवाइस आसमान में आपको इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है, उसे मेनली फोटोग्राफर्स जो हैं वो हैंडल करते हैं। वो करते क्या है कि उससे फोटोशूट आपने देखा होगा, प्री वेडिंग है, पोस्ट वेडिंग है, वेडिंग है, इस टाइम पे ज़्यादातर ये जो है देखने में मिलते हैं, तो इनसे शूटिंग वगैरह की जाती है, इनमें कैमरा अटैच कर देते हैं। वैसे ही ड्रोन का एक और यूज़ है कि एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवरी करनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है? तो आई होप आपके दिमाग में ड्रोन बैठ गया होगा कि क्या चीज़ है। अगर नहीं पता है, अगर पता है तब तो वेल एंड गुड, आपको पहले सब पता होगा। तो पहला ड्रोन डिलीवरी हब एशिया का, मतलब ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करेंगे सामान, तो एशिया का पहली ऐसी डिलीवरी हब लॉन्च की गई है किसके द्वारा? सो मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद टेक ईगल, और टेक ईगल क्या है, एक स्टार्टअप है, ठीक है? तो मेघालय गवर्नमेंट ने पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो है ये लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद टेक ईगल। नाउ इसका काम क्या है, ये डिलीवरी हब क्या प्रोवाइड करवाएगा? सो इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर द नेटिजन्स। जो नेटिजन्स हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाना, वो इसका काम है। मतलब जो भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये जो केमिस्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डिलीवरी करते हैं, वो सारी चीज़ें डिलीवरी की जाएंगी नेटिजन्स तक। अब नेटिजन्स क्या होते हैं? सिटीजन्स तो सुना है, एलियन सिटीजन्स में सुना है या एलियंस में सुना है, नेटिजन्स क्या होते हैं? सो नेटिजन्स बड़ा एक खतरनाक सा नाम दिया है। एक ये होता क्या एक्चुअल में, एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट, इन शॉर्ट जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है। अब जो इंसान ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेगा उसे सारी मतलब चीज़ें भी पता होंगी, है ना, तो उसको ही इस चीज़ के बारे में भी पता होगा। अब नेटिजन हो गया जो बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करता है, इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए आज का सेकेंड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज की थर्ड न्यूज़ पे फोकस डालते हैं। एक अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे एक अवार्ड की बात की गई है, यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसे दिया गया है? कृष्णा वेविलाला को दिया गया है। ये कौन है? इंडियन ऑरिजिन, अमेरिकन है, ठीक है। क्यों दिया गया है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए दिया गया है। ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इंडियन है, और ये जो अवार्ड है यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? बाय अमेरिकॉर्प्स, ठीक है। चलिए हमारा आज का थर्ड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं और आज का फोर्थ पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। आज का फोर्थ पॉइंट है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट। तो देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, ठीक है। क्या नाम है रिपोर्ट का? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, रिलीज की है? सो दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन पार्टनरशिप विद केरला गवर्नमेंट। अब ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है ये रिपोर्ट, केरला गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ की है। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है, क्या बताती है? सो इस रिपोर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया में सोन बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस हीट वेव्स दैट कैन सरपास द ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट। इंडिया जो है पूरे दुनिया में उन स्टार्टिंग उन शुरुआती जगहों में से एक हो सकता है जहां पे हीट वेव्स इतनी ज्यादा आएंगी कि ह्यूमन बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ह्यूमन जो हमारा शरीर है, ह्यूमंस का जो शरीर है, इसकी जितनी कैपेसिटी है हीट को सहने की, उससे भी खतरनाक हीट वेव्स यहाँ पे चलेंगे। तो दुनिया में कुछ शुरुआती इलाकों में, कुछ शुरुआती शहरों में, कुछ शुरुआती प्लेसेस में इंडिया भी एक हो सकता है, ठीक है। इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए अब आगे चलते हैं और आज का फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आज का फिफ्थ पॉइंट है सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। एक स्कीम है, यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात की गई है। स्कीम का नाम क्या है? सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। सैनिटेशन क्या होता है? ये जो शौच वगैरह की व्यवस्था होती है, ठीक है, तो ये भी जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके विकास के लिए एक स्कीम लाई गई है। तो
लॉन्च्ड बाय, कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? मदुरई में लॉन्च किया है। मेनली किस पर्सन ने लॉन्च किया है? तो वहां के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमके स्टेलिन, इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसी स्कीम के साथ में एक ऐप भी लॉन्च की गई है सेम इसी के साथ में, जिसको आप बोल सकते हैं श्वास ऐप। फुल फॉर्म ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी, याद रखना है ठीक है। यहाँ पे ऐप से क्वेश्चन आ सकता है, स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, कौन सी सीएम ने लॉन्च की। अब इस स्कीम के अंडर होगा क्या, अब हम वो पढ़ेंगे। सो इट एम्स टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ सैनिटरी वर्कर्स इन द स्टेट, स्टेट में यानी तमिलनाडु की जो स्टेट है वहाँ पे जो भी सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो भी शौच वगैरह की सफाई करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, उनके वेलफेयर, उनकी सुख सुविधा को ध्यान, सुख सुविधा भी नहीं है, वेलफेयर को आप हिंदी में देख सकते हैं, उनकी जो भी सुविधाएं हैं, उन्हें कुछ फैसिलिटीज देनी है, उनके हित के लिए काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, पहली चीज़ उनको ग्लव्स एंड बूट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़, जो भी बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस चीज़ की इंश्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, देखा जाए तो अच्छी स्कीम भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ आप उसके नोट्स बना रहे हैं एंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करें। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। फाइन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो आज की सिक्स्थ न्यूज है रिन्यूएबल्स 2022 एनुअल रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट की यहाँ पे चर्चा की जाएगी, एक एनुअल रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है, रिन्यूएबल्स 2022। किसने रिलीज की है? रिलीज्ड बाय IEA, यानी कि इसकी फुल फॉर्म देखिए, ये एब्रिवेशन है IEA, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो IEA के द्वारा ये रिलीज की गई है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये रिपोर्ट क्या बताती है, उसको पढ़ने से पहले इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो रिन्यूएबल क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बीइंग रिन्यूड और रिप्लेसेबल, कोई भी चीज जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए सोलर एनर्जी, सूर्य उदय होता है सुबह, शाम को सूर्य छिप जाता है, वैसे तो चलिए अर्थ ही घूमती रहती है, बट हम ऐसे बोलते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो हमें डेली जो है सूर्य की किरणें मिलती हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है, कभी बारिश है, बादल हैं, तो वो एक्सेप्शन हो गई, अदरवाइज सोलर एनर्जी हमें मिलती रहती है डेली, तो हम सोलर एनर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं अपने, अगर हमारे पास एरिया है सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, कोल है, पेट्रोलियम है, क्या ये रिन्यूएबल है, नहीं, ये एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तभी तो कहते हैं कि हम इन्हें प्रिजर्व करके रखना है, बट हम बचाते तो है नहीं, ऐसे हम करते तो है नहीं, बुकिश चीजें बुक्स तक ही रह जाती हैं। बट आई होप आपको ये रिन्यूएबल का मतलब समझ आ गया, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज सॉरी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये रिपोर्ट क्या बताती है। सो दिस रिपोर्ट स्टेट्स दैट ग्लोबल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इज लाइकली टू डबल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में ये जो ग्लोबल लेवल पे यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो रिन्यू करने की कैपेसिटी है हमारी, मतलब वर्ल्ड की, अर्थ की, ये 2 गुना हो जाएगी अगले 5 सालों में, डबल हो जाएगी ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की या IEA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा गया है, वहां पे 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी आपने पढ़नी है ठीक है। चलिए आज का 7th पॉइंट पढ़ते हैं, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। एक और इंडेक्स रिलीज किया गया है, ये इंडेक्स किसने रिलीज किया, किसने टॉप किया, कौन लास्ट में था, किसकी सेकेंड पोजिशन है, क्या ये रिपोर्ट बताती है, वो सब कुछ हमें अब पढ़ना है ठीक है। सो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स को टॉप किया है इंडिया ने। टोटल पार्टिसिपेशन या टोटल सर्वे जो किया गया वो 110 नेशंस के जो भी डेटा था उसका सर्वे किया गया। सेकेंड नंबर पे आता है साउथ कोरिया। अब निकालिए अपना वर्ल्ड मैप, देखिए साउथ कोरिया कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया साथ साथ में है, कौन से सी साथ में लगते हैं, कितना एरिया है, कौन चेयरमैन है, ये सब आप देखिए वहां पे ठीक है। चलिए, नाउ दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज की है ये रिपोर्ट, सो CPA ने रिलीज की है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने, बेस्ड इन पटना बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है, जिसके चेयरमैन कौन है, दुर्गानंद झा।
ठीक है, चलिए रिपोर्ट किसने रिलीज की, टॉप किसने किया, टोटल कितनी कंट्रीज थी, सेकंड कौन आया, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट, ये रैंकिंग क्या बताती है, हम ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सो ये एनालाइज करती है द स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन अ कंट्री एंड अप्रोच ऑफ अ स्टेट टूवर्ड्स देम, कि कितनी धार्मिक रिलीजियस, आप समझते हैं धर्म के लेवल पे माइनॉरिटीज जो होती है, माइनॉरिटीज मतलब जो कम संख्या में होते हैं, कम होते हैं नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई देश है, वहां पे सारे हिंदू हैं, लेकिन वहां पे कुछ थोड़े बहुत बुद्धिज्म को भी फॉलो करने वाले लोग हैं, थोड़े बहुत जैनिज्म को भी फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, रिलीजियस माइनॉरिटीज कहलाएंगी, ठीक है, जो कम मात्रा में होते हैं, कम संख्या में होते हैं। तो किसी भी कंट्री में कितने रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनका स्टेटस क्या है, जो सरकार है उस देश की सरकार उन लोगों के साथ कैसे ट्रीट करती है, कैसे बिहेव करती है, उस सबके हिसाब से टॉप पे आया है इंडिया। तो बहुत अच्छी बात है ये, देखिए हमारे इसमें। अब अगला पॉइंट इस रिपोर्ट से रिलेटेड है, दैट दिस रिपोर्ट वॉज अनवील्ड बाय एम वेंकैया नायडू। ये इस रिपोर्ट का अनावरण, इस रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी है, तो एम वेंकैया नायडू ने दी है, ठीक है। चलिए आज का 7th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। सो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड आगे चलते हैं और आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो क्वेश्चन क्या है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पॉटरी बार्न, पॉटरी बार्न जो है इसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं, दीपिका पादुकोण बने हैं। सो ब्रांड एम्बेसडर बनाते क्यों, ताकि टीवी में एड्स दे सके, लोगों को बताया जा सके। अब कोई हमारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस टीवी पे आता है तो हम देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमें किसी चीज के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में पता लगता है, उसकी प्रमोशन होती है। अगर हमें उस चीज से रिलेटेड, मान लीजिए किसी क्रीम की एड आ रही है, तो अगर हमें क्रीम खरीदनी है तो हम सोचेंगे, कह रहे नहीं दीपिका पादुकोण ने वो क्रीम बताई थी या फिर यामी गौतम ने वो क्रीम बताई थी, उसको खरीद। तो इससे क्या होता है, इनकी प्रमोशन होती है, मार्केटिंग होती है, इनको पैसा बनता है ना। तो देखिए वही बात है कि अब दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बना के क्या होगा, टू प्रमोट कंपनीज इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड होगी कंपनी, ठीक है, ब्रांड एक्सपेंड होगा। नाउ पॉटरी बार्न है क्या, इट इज एन अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर, फर्नीचर वगैरह बनाते होंगे तो उसको रिटेल करते होंगे, उससे रिलेटेड है। नाउ ये जो पॉटरी बार्न है, इट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रिटेल स्टोर इन इंडिया आल्सो, इंडिया में भी इन्होंने अपना रिटेल स्टोर खोला है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में कहाँ पे, एम्बियंस वसंत कुंज में, किसकी पार्टनरशिप के साथ, इन पार्टनरशिप विद रिलायंस, राइट। तो चलिए 8th पॉइंट भी हो गया, ब्रांड एम्बेसडर पॉटरी बार्न, दीपिका पादुकोण, पहला इनका स्टोर एम्बियंस वसंत कुंज न्यू दिल्ली, इन पार्टनरशिप विद रिलायंस, है क्या अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज के 9th पॉइंट की ओर। सो ये एक पार्टी का नाम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस पार्टी को लॉन्च किसने किया है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो पार्टी का नाम क्या है, अब देखिए रिसेंटली इलेक्शंस चले थे तो इसीलिए यहाँ पे ये आया है, राइट। सो भारत राष्ट्र समिति, ये है पार्टी का नाम, भारत राष्ट्र समिति पार्टी, BRS, लॉन्च्ड बाय, अब किसने लॉन्च किया इस पार्टी को, सो के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के CM है, उन्होंने लॉन्च किया। थोड़ी सा तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया का मैप देखिए, पहले तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था, फिर 2014 में क्या होता है कि बाइफिकेशन होती है, आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बन जाता है, तेलंगाना अलग स्टेट बन जाती है, फिर अब इन दोनों की, अब पहले दोनों एक ही स्टेट थे तो दोनों की कैपिटल भी क्या थी, नॉर्मल सी एक ही होगी, हैदराबाद, लेकिन अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के एरिया में आता था। सो तेलंगाना की कैपिटल बन गई हैदराबाद, और जो हमारा बच गया आंध्र प्रदेश, उसको दिया गया अमरावती, कि आप अगले 10 सालों में इसको डिवॉल्व कीजिए, जैसे भी करना है, ठीक है। चलिए ये तो हमने थोड़ी सी स्टोरी पढ़ ली, बट हम पढ़ रहे थे भारत राष्ट्र समिति पार्टी किसने लॉन्च की है, के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च की है, कौन है ये, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। नाउ ये BRS जो है, क्या इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए, नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि पार्टी का नाम इन्होंने चेंज किया है, इनकी जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति उसका नाम है, ठीक है, 2001 में ये इसको लॉन्च कर चुके हैं, तो अब उसका नाम इन्होंने चेंज किया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति रखा गया है, तो बस उसी पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, रिसेंट न्यूज हमारी ये थी, ठीक है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पुराना नाम है, भारत राष्ट्र समिति नया नाम है, राइट। तो चलिए इसी के साथ हमारा 2nd पेज भी हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको प्राइसिंग डिटेल्स बता दूंगी एंड बिलीव मी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, फाइन। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए हम पहुंच गए हैं आज 10th पॉइंट की तरफ।
आज के डेट में हमें सिर्फ 14 पॉइंट्स यानी कि 14 पॉइंट ही डिस्कस करने हैं, तो वीडियो उतना ऐसे लंबा नहीं होगा। आज मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो सब मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो एक तरह से वीडियो आपका जस्ट कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहें। फाइन, 10th पॉइंट हमारा आता है $780 million लोन फॉर चेन्नई मेट्रो रेल अप्रूव्ड बाय। चेन्नई मेट्रो रेल के लिए $780 million का लोन दिया है, तो कौन सी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, क्वेश्चन ये है। तो ADB ने दिया है। देखिए हम मेनली क्या पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक ने दे दिया है या फिर IMF ने दे दिया है, यही सब पढ़ते हैं हम। लेकिन आज हम पहली बार पिछले एक महीने से हम पढ़ रहे हैं ADB का जिक्र पहली बार हो रहा है आई बिलीव, है ना। तो चलिए ADB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बेशक इसका जिक्र कम हुआ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको थोड़ा सा उनका सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल बढ़ाना, डेवलपमेंट करना सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल पे, ये ADB का काम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक सिर्फ एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड है। नाउ फॉर्मेशन ईयर कौन से साल में फाउंड किया गया ये पता होना चाहिए, 1966 दिसंबर को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस देखिए कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो एन एशियन कंट्री, आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए फिलीपींस के बारे में। नाउ इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो 68 मेंबर कंट्रीज है। याद रखना है कुछ मिलियन लोन, कुछ डॉलर मिलियन लोन है, 780 भी याद रख सकते हैं, ये दिया गया है चेन्नई मेट्रो रेल के लिए। किसने दिया है? ADB ने दिया है। फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मेशन 1966, हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस एंड 68 मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर। फाइन, 10th पॉइंट हो गया कंप्लीट। 11th पॉइंट देखते हैं, तो ये भी 10th पॉइंट की तरह ही है, यहां भी लोन दिया गया है तो उसी के बारे में बात करेंगे। $250 million लोन टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया गिवन बाय। इंडिया में लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो $250 million का लोन दिया गया है। किसने दिया है? ADB ने दिया है। ADB माने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। तो देखिए ये जो ब्लॉक्स वाला पार्ट होता है ना, जैसे मैं कभी आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताती हूँ, कभी किसी बैंक के बारे में बताती हूँ, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, यूनेस्को हो गया, इसरो हो गया, नासा हो गया, इनके बारे में बताती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको आप अलग से लिखें, जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको अलग से लिखें, जो एक्सरसाइजेस हैं इनको अलग पेज पे लिखें, यहाँ भी लिखें ताकि बार बार आपका रिवीजन होता रहे, बट एक दो कुछ पेजेस आप अलग से भी लगाएं, वहाँ पे भी आप इन सबको लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे जब एग्जाम का होता है उससे एक दो दिन पहले हम रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये, ठीक है। बाकी आपने जितना मर्जी पढ़ा है, अगर आप पेपर वाले दिन रिकॉल नहीं कर पा रहे, पेपर वाले दिन आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सब पढ़ा पढ़ाया व्यर्थ है, है ना। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रिवीजन नोट्स भी अपने साथ साथ में मेंटेन करते रहें। फाइन, आज का 12th पॉइंट आता है सफाई कर्मचारी कमीशन। एक कमीशन बना है, उसका नाम क्या है? सफाई कर्मचारी कमीशन। कौन सी सरकार ने बनाया है? असम की गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसमें सैनिटेशन वर्कर्स स्कीम के बारे में बताया गया था, और अब हम पढ़ रहे हैं सफाई कर्मचारी कमीशन के बारे में। तो लोग मतलब इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, समझ रहे हैं इन लोगों की ज़रूरतों को, तो बहुत अच्छी बात है सरकार अगर समझ रही है तो, है ना। तो चलिए याद रखना है, क्वेश्चन आता है अगर सफाई कर्मचारी कमीशन कौन सी सरकार ने बनाया है? असम गवर्नमेंट ने बनाया है। प्रोटेक्टिंग सफाई कर्मचारीज राइट्स। अब जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड स्टेट कैबिनेट दैट अप्रूव्ड अ बिल टू क्रिएट दिस कमीशन। ओके, क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि कौन से स्टेट कैबिनेट है जिसने बिल पास किया है कि इस कमीशन को बनाया जाए, सफाई कर्मचारी कमीशन को बनाया जाए, तो वो किया है असम गवर्नमेंट ने बिल पास, ठीक है। चलिए आज का 12th पॉइंट भी हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया हमें आज सिर्फ 14 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो आज का 13th पॉइंट है एक डे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। यूनिवर्सल कवरेज डे 2022, ये डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? वाराणसी यूपी में सेलिब्रेट किया गया। ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। थीम की बात करें, थीम आपने याद रखना है यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 वाराणसी यूपी हेल्थ मिनिस्ट्री, थीम क्या था? बिल्ड द वर्ल्ड वी वॉन्ट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, एक ऐसी दुनिया बनाएं जैसा हम चाहते हैं, हेल्दी फ्यूचर सबके लिए, ठीक है। तो याद रखना है बिल्ड द वर्ल्ड वी वॉन्ट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, राइट। चलिए इसी के साथ, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ। ये भी यहाँ भी एक डे के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे। कब मनाया जाता है? 11th दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स टू लाइफ।
हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में माउंटेन्स की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसको इस चीज के लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इस चीज के रिगार्डिंग जागरूक बनाने के लिए, अवेयर बनाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है वुमेन मूव माउंटेन्स एंड दिस डे हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय यूएनजीए इन 2003। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूएनजीए ने 2003 में डिसाइड किया कि 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डेज अब से सेलिब्रेट किया जाएगा। फाइन, अब इसी के साथ एक और न्यूज यहाँ पे आती है कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2002 को एज यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स। राइट, फिर से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2002 को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स। राइट, तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, प्लस आप मुझे ये चीज भी बताएं कि आप वीडियोस को थोड़ा लॉन्ग चाहते हैं या शॉर्ट में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करूं या कम पॉइंट्स कवर करूं, मुझे ये चीज बताएं, फिर मैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही वीडियोस लेकर आऊंगी आगे। एंड डेली करंट अफेयर्स मैं पढ़ाती रहूंगी, तो आप साथ में पढ़ते रहें, और अगर आपको वीडियो लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।